विर्गो ईयरली राशिफल 2021 यानी कि कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, जॉब, बिजनेस और एजुकेशन कैसा रहेगा 2021 में, ये मैं आपको आज आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं सुविज्ञेंदु सुख आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी ईयरली राशिफल सीरीज में। तो आइए आपको ज्यादा वेट ना करवाते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि कन्या राशि मेरी ईयरली राशिफल सीरीज की 6th वीडियो है। तो अगर आप बाकी राशियों की जो वीडियो है वो उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके और वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाली ऐसी और भी राशियों की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जो नीचे बेल आइकन है उसे दबाए इसी के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 2021 में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी ट्रांजिट को देखें तो इस साल शनि पूरे साल मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि में गोचर करेंगे आपकी राशि से 5th हाउस में। जुपिटर गोचर करेंगे मकर और कुंभ राशि में आपकी राशि से 5th और 6th हाउस में। केतु गोचर करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि में आपकी राशि से 8th हाउस में। वहीं राहु गोचर करेंगे वृष यानी कि टॉरस राशि में आपकी राशि से 9th हाउस में। अगर आपके लिए ओवरऑल 2021 को देखें तो ये आने वाला साल आपकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। 2020 आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं रहा, आपके अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, टेंशन का माहौल बना हुआ था। पर इस साल यानी कि 2021 में आपकी फैमिली में जो ये टेंशन का माहौल है वो कम होगा, आपकी आपस में लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। इसी के साथ ये जो आने वाला साल है वो आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी बेटर रहेगा। अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट ईयर है यानी कि राइट टाइम है और इस साल आप अपना ड्रीम हाउस भी ले पाएंगे। अगर 2021 में आपकी हेल्थ की बात करें तो ये आने वाला साल आपकी हेल्थ के लिए नॉर्मल रहेगा। हालांकि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो जितना पॉसिबल हो सके इन नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करें वरना आपकी हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। अगर 2021 में आपके फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो ये आने वाला साल आपकी फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा। आपने इस साल जो भी अपने फाइनेंशियल टारगेट्स बनाए हुए हैं उन्हें आप इजीली अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आप इस साल कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में तो ये साल बिल्कुल राइट टाइम है और आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा आपको इस साल रिटर्न मिलेगा। अगर 2021 में आपकी लव लाइफ की बात करें तो ये आने वाला साल आपके रिलेशनशिप के लिए नॉर्मल रहेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं पर कुछ भी सीरियस नहीं होगा। जो लोग मैरिड है उन्हें इस साल थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपके अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन बनेगी और आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती रहे तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना होगा। अगर आपकी जॉब की बात करें 2021 में तो ये आने वाला साल आपकी जॉब के लिए नॉर्मल रहेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि इस साल आपके अपने पीयर्स या फिर बॉस के साथ छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो कि आपके कैरियर के लिए हार्मफुल हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके गुस्से को अवॉइड करें, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, तभी आपका कैरियर अच्छा चलता रहेगा। 2021 में आपको सेप्टेम्बर 2021 के बाद से आपको अपनी जॉब में कोई अच्छे ऑफर्स आने लगेंगे तो तब तक आपको इस साल वेट करना होगा। इस साल आपको नए नए तरह के जॉब में चैलेंजेस भी मिलेंगे तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। अगर 2021 में आपके बिजनेस की बात करें तो ये आने वाला साल आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। ये साल आपको बेटर बिजनेसमैन बनाएगा जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस तेजी से ग्रो कर पाएंगे। हालांकि अप्रैल 2021 तक का टाइम आपके बिजनेस के लिए स्ट्रगलफुल है तो शुरुआत के कुछ महीने आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, पर अप्रैल के बाद से आपके बिजनेस के लिए राइट टाइम यानी कि अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अगर 2021 में स्टूडेंट्स की बात करें तो ये आने वाला साल आपकी एजुकेशन के लिए नॉर्मल रहेगा।
ये साल डिपेंड करेगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके ही अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि मई 2021 के बाद से आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। पर अगर आप इस साल मेहनत करेंगे तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वीरगो ईयरली राशिफल 2021, यानी कि जो कन्या राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें कन्या राशि वाले लोगों के साथ, इसी के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा लिब्रा ईयरली राशिफल 2021 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।